आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 5 साल पहले उन्होंने राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जनता उन पर विश्वास क्यों करेगी? घोषणा पत्र जारी किया है, मगर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई भरोसा करने लायक स्थिति है नहीं। मैंने आज इस बात की जानकारी सभा के माध्यम से दी थी कि कांग्रेस के झूठे घोषणा पत्र और उनके झूठे वादे का भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता क्यों करेगी और क्यों करना चाहिए। 5 साल पहले जो झूठ बोला था, 20 लाख तक का मुफ्त इलाज करेंगे, नहीं किया। सबको मकान देंगे, आज तक कोई मकान नहीं दिया भूपेश ने। 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, 5 साल निकल गए, किस नहीं हुआ। शराबबंदी करेंगे, 5 साल निकल गया, शराबबंदी नहीं हुआ। 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल निकल गया, कुछ नहीं हुआ। संपत्ति कर माफ कर देंगे बोला था 5 साल पहले चुनाव घोषणा पत्र में, संपत्ति कर माफ नहीं हुआ। 200 फूड पार्क बनाएंगे राहुल गांधी बोला था, अब तो 200 फूड पार्क दिखा मेरे भाई, अब 700 फूड पार्क बोल रहा है। इसमें कोई भरोसा करेगा क्या? 17 लाख मकान नहीं दिया और इस बार बोल रहे 18 लाख मकान दे देंगे, क्यों भरोसा करेगी छत्तीसगढ़ की जनता? सब महतारी को 500 रुपया देंगे, वादा किया था 5 साल पहले। वृद्धजनों को 1500 पेंशन कहाँ मिला 5 साल तक? छात्रों को मुफ्त और यौन शुक्ला, निमितीकरण 2 लाख लोगों का, एक का तो निमितीकरण करो भूपेश जी। कर्ज माफी 4-4 किस्तों में बोनस की राशि का वितरण हम जो दे रहे हैं तो अपने आप में मोदी जी की गारंटी है, ये राहुल गांधी की गारंटी नहीं है जो गंगा जल लेके घूमते रहते हैं, ये इस देश के प्रधानमंत्री की गारंटी है।